प्लानिंग योजना। 6 दिन पहले 8 फरवरी को ही वायरलेस में चलती हुई बातचीत से साफ जाहिर था कि कोई ना कोई हमले की तैयारी चल रही थी। अफजल गुरु की फांसी की सालगिरह अगले दिन थी और इसी वजह से सुरक्षा बल पहले से ही पूरी तरह चौकन्नी थे। वो दिन तो शांति से गुजर गया, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस को क्या पता था कि एक विशाल हमले की तैयारी हो चुकी थी। भाईजान, आज तो उसकी सालगिरह है, धमाका करना वाजिब था। सब्र रखो जनाब। तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। 2 दिन पहले 7 फरवरी को जैश ए मोहम्मद चीफ अजहर मसूद अलवी ने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल को एक ऑडियो पैगाम भेजा था। हमारे भतीजे तलहा और उस्मान हैदर को हिंदुस्तानियों ने हलाल कर दिया, उसकी मौत का इंतकाम लो। UJC उर्फ मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल 1999 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में संचालित जिहादी समूहों को एक साथ लाने के लिए बनाया था, जिसकी रहनुमाई आज हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन कर रहे हैं। 50 साल के अजहर मसूद की आवाज़ कमज़ोर है क्योंकि उनका गुर्दा फेल हो चुका है और वो मौत की कगार पर रावलपिंडी बेस आर्मी अस्पताल में मौजूद हैं, जिस वजह से वो पिछले 6 जिहादी सम्मेलनों की बैठक में भी शिरकत नहीं ले सके। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रशीद, तुम भी मेरे भतीजे हो, वायदा करो मेरे गुजरने से पहले अपने भाइयों की मौत का बदला जरूर लोगे। अब्दुल रशीद गाजी, अफगान जंग के तजुर्बाकार और IED में माहिर, JEM के वरिष्ठ कमांडर जो कामरान और उमर हाफिज के नामों से भी जाने जाते हैं। हर एक ऑपरेटिव को कई नाम दिए गए ताकि भारतीय इंटेलिजेंस को गुमराह किया जा सके। हथियारों से लैस 21 जैश सदस्यों का दल, जिसमें मौजूद थे 3 आत्मघाती हमलावर, कश्मीर के सांबा में खोदी गई सुरंगों के माध्यम से घुसे। उनमें से मूल आत्मघाती हमलावर आरजू बशीर था, जो बाद में बाहर निकलकर भाग निकला और पुलवामा निवासी आदिल अहमद डार को वहां छोड़ दिया। जैश और LET दोनों इस तरह से आत्मघाती हमलावर चुनते हैं पर्चियों के जरिए। डार जाकिर मूसा समूह में थे, जिसमें अब सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे थे, इसीलिए उन्होंने लश्कर का हाथ थामा, जिसमें उसके चचेरे भाई मंजूर डार एक सीनियर अराकीन थे। इधर वो OGW या ओवरग्राउंड वर्कर बने, जिसका काम था भारत में घुसे आतंकवादियों की मदद करना। मुझे रहने के लिए एक महफूज जगह चाहिए और मुझे इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो पत्थर फेंकने वालों को जमा भी करते थे, जिस जुर्म में भारतीय सुरक्षा पुलिस ने उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया, सितंबर 2016 और मार्च 2018 के बीच, लेकिन हर बार उन्हें रिहा कर दिया गया। ये सारे चिल्लर पार्टी हैं, छोड़ दो ने। लेकिन डार को चिल्लर नहीं किल्लर बनना था। लश्कर के पास हथियार की कमी थी और इससे पहले किसी को फुल टाइम ऑपरेटिव बनाया जाए उसे एक टास्क दिया जाता था। जाओ पुलिस या सेना को हलाल करो और उनकी बंदूकें छीन लो, तभी तुम लश्कर में शामिल होने के लायक बन सकते हो। दूसरी ओर जगात और ISI की बदौलत से जैश को पैसों की कमी नहीं थी। जब उनका भाई मंजूर मार्च 2018 नेवा में मारा गया तो लश्कर छोड़कर वो सीमा पार पाकिस्तान चला गया और पहुंचा उसी कैंप में, जहां जैश के रशीद नए भारतीयों को तबाही में माहिर करने में लगे थे। बहुत खूब जनाब, आपका कोई पुलिस या रिकॉर्ड तो नहीं? पूरी तरह से उसके दिमाग को पिसा के गलत ख्यालात भरकर उसे 21 अन्य जैश सदस्यों के साथ वापस भारत भेजा गया। ये दल के 2 टुकड़े हुए, एक मुद्दसिर खान के नेतृत्व में और दूसरा शहीद बाबा के साथ। JEM हैंडलर और आतंकवादियों के बीच संपर्क शायद P2P सॉफ्टवेयर YSMS से होती रही, जिस पर मोबाइल निगरानी नहीं रखी जा सकती। सेल फोन पर एक रेडियो ट्रांसमीटर जोड़ा जाता है, जिसमें कोई सिम कार्ड की भी जरूरत नहीं होती है। YSMS उस मोबाइल को रेडियो में बदलकर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी द्वारा पैगाम को प्राप्त और संचारित करता है। YSMS 2012 से डार्क वेब पर उपलब्ध है और किसी भी साधारण एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर उपयोग किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर में एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने के बावजूद आतंकी संगठनों ने उसे और भी बदला ताकि वो सभी निगरानी उपकरणों से बच सकें। गणतंत्र दिवस पर अफजल गुरु की फांसी की सालगिरह से बस 15 दिन पहले दूसरे आत्मघाती हमलावर शब्बीर मारा गया। डार ने उसकी जगह ली,
लेकिन मंसूबे में कोई बदलाव नहीं हुआ और वो लोग एक मारुति इको वैन जो पहले 7 बार खरीदी और बेची जा चुकी थी, इसके अलावा 16 और गाड़ी खरीदी, सब पुराने 1990 से 1996 के बीच रजिस्टर्ड। तहकीकाती दस्ते ने घटना स्थल से मिले कार चेसेस द्वारा गाड़ी के मालिक का पता लगाया। 24 साल के बिज बिहार निवासी और जैश ऑपरेटिव सज्जाद भट्ट, जिसने हमले के 10 दिन पहले ही गाड़ी खरीदी थी। ये लाल रंग वाली मारुति इको कार कितने बेचोगे? पुलवामा के विस्फोट स्थल से केवल 5-7 किलोमीटर दूर अंधेरी रात के साए में वैन में मिलिट्री ग्रेड RTX बिठाया गया, तकरीबन 80 किलो। उसके साथ जोड़ा गया एक IED या इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे दूर से या टाइमर के जरिए विस्फोट किया जा सकता है। ये यंत्र कश्मीरी आतंकवादियों में बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। फिर आखिर में शहादत का संदेश, जिसे कश्मीरी और उर्दू वीडियो में रिकॉर्ड किया गया, जो कि हमले के तुरंत बाद टेलीग्राम पर रिलीज होना था। इस संदेश में एक शिकायत भी थी अपने उत्तरी कश्मीरियों के खिलाफ, जो ज्यादातर आतंक में कम हिस्सा लेते हैं। हमला। वैलेंटाइन के दिन कुछ दिल टूटने वाले थे। करीब 15 घंटे 14 फरवरी के दिन डार ने कार को जम्मू श्रीनगर राजमार्ग की ओर चलाना शुरू किया। ठीक 12 घंटे पहले 3 बजे CRPF के जवान बसों में सवार हुए, जो जम्मू ट्रांसिट कैंप से श्रीनगर के लिए रवाना होने वाले थे। अहमदनगर के परनेर तालुका के महासोबा जाप गांव का एक 28 साल का जवान बस में सवार हो चुका था, जब अंधेरे में से आवाज आई, थक्का बेलकर बाहर आ जाओ, तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई है। अन्य जवानों ने ताली बजाई और उसे बधाई दी। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे। लेकिन ये आखिरी बार था जब उन्होंने अपने सभी साथियों को देखा। 78 बसों के काफिले में 2547 सेना के जवानों ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर घुमावदार सफर शुरू किया। गर्मियों के दौरान सैन्य काफिला जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू हर दूसरे दिन 271 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो कि अक्सर खूंखार 271 के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में ये बर्फबारी और सड़क की स्थिति पर निर्भर करता है, और इस फरवरी में सामान्य 7 रनों की बजाय केवल 3 किए गए थे। पिछला वाला 4 फरवरी के दिन पूरे 10 दिन पहले हुआ था। मानक संचालन प्रक्रिया SOP या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक CRPF वो पूरे सड़क पर ध्यान रखते थे जहाँ से काफिला गुजरने वाला है। हमले की आगाह के बाद वे विशेष रूप से IED की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो जो पारंपरिक रूप से लगाए गए विस्फोटकों के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक खड़ी गाड़ी, रास्ते का हर ढांचा और छत की जांच, पुलवामा से 50 किलोमीटर पहले जैसे ही काफिला काजी गुंड पहुंचा, उस क्षेत्र में ड्यूटी के लिए निर्धारित 16 वाहन अलग होकर निकल गए। उसी समय 16 मोबाइल बंकर काफिले में शामिल हो गए, क्योंकि कांजी गुंड के आगे का क्षेत्र अधिक खतरनाक था। हमले के बामुश्किल 15 मिनट पहले करीब 15 घंटे कुछ युवाओं ने गुजरते काफिले पर पत्थर फेंका, जो कि नजरअंदाज कर दिया गया। सेना की हलचल के दौरान नागरिकों को दिक्कत न पहुंचे, उसका ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। जब सेना पहली बार कश्मीर में प्रवेश करती है, तो सेना हलचल के समय नागरिक वाहनों को सड़क का उपयोग करने से रोक दिया गया था, लेकिन राजमार्ग में कई चौराहे हैं जो सेना की आवाजाही के वक्त बंद रहने से लोगों को परेशानी और शिकायतें पैदा हुई हैं। अरे रास्ता जल्दी खोलो जनाब, हमें ड्यूटी के लिए देरी हो रही है। 2003 के बाद, ताकि लोगों को असुविधा ना हो, सेना और सिविल कारें साथ साथ चलने लगी। यहाँ तक कि ओवरटेकिंग और सैन्य वाहनों के बीच भी आने की अनुमति दी गई, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक बस को एक दूसरे के बीच एक विशेष दूरी रखनी थी। इसी बात का तो फायदा उठाया आतंकवादियों ने। 15-15 घंटे पर काफिले श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में लेडू मोड़ा जंक्शन पहुंचा। IED से लगी वैन काकापोरा लेलहर के बाय रोड से काफिले में शामिल हुई। 5वीं बस से आगे गया और बिल्कुल उसी बस के पीछे पहुंचा जिसमें CRPF के जवान भरे थे, जिसमें उसी दिन सुबह ठक्का बेल कर बैठे हुए थे। कोई जादुई शब्दों को पढ़ा जो वो समझते थे कि उन्हें किसी काल्पनिक जन्नत की ओर ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पैर एक्सेलेटर को दबाया और टाइमर पर हाथ डाला।
पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के शहीद जवानों की सूची। यूपी: महेश कुमार प्रयागराज, अवधेश कुमार यादव चंदोली, विजय कुमार मौर्या देवरिया, श्याम बाबू कानपुर, पंकज कुमार त्रिपाठी महाराजगंज राम वकील मैनपुरी, कौशल कुमार रावत प्रतापपुरा, प्रदीप कुमार शामली अमित कुमार शामली, प्रदीप कुमार तेरवा, अजित कुमार आजाद उन्नाव, रमेश यादव वाराणसी मध्य प्रदेश, अश्विनी कुमार जबलपुर बिहार, रतन कुमार ठाकुर भागलपुर, संजय कुमार सिन्हा पटना उत्तराखंड, मोहनलाल उत्तरकाशी, वीरेंद्र सिंह उधम सिंह नगर महाराष्ट्र, राठौर नितिन शिवाजी और संजय राजपूत बुलढाणा पंजाब, कुलविंदर सिंह आनंदपुर, मनंदिर सिंह अत्रे गुरदासपुर, जयमल सिंह मोगा, सुखजिंदर सिंह तरन तारण राजस्थान, जीत राम भरतपुर, रोहिताश लांबा जयपुर, हेमराज मीणा कोटा, नारायण लाल गुर्जर राज सामंत, भागीरथ सिंह राजस्थान, नासिर अहमद राजौरी, बबलू संतरा हावड़ा, सुदीप बिस्वाहा पश्चिम बंगाल, तिलक राज कांगड़ा, विजय सोरेन गुमला, माने सवर बासु मतारी बक्सा, पी के साहू जगत सिंहपुर, मनोज के आर भेरा ओडिशा, गुरु एच मांड्या सुब्रमण्यम जी तूतीकोरिन शिव चंद्रन तमिलनाडु, वसंता कुमार विवी क्यानाडु। बिस्बो की श्रद्धांजलि। वो कायर नापाक है छिप कर करते वार, आतंकी इस देश का जमकर हो प्रतिकार, बार बार के दर्द का पक्का करो इलाज, बिस्बो कहता आ रही हर घर से आवाज। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें।